the question that we've all been discussing, and I remember Sanjay also asking Sudhir Mishra the same question. आपने ये पिक्चर बनाई कैसे? Initially जब वो when he gets introduced वो बताता है कि कैसे कैम फोन से रिकॉर्ड कर पावर. By the way, guys, spoilers. Yes, yes. मैं भी वही सोच रहा था. 90% of filmmakers or writers will not even write that. कौन सा stand-up comic है जो जेल गया है? तुम ऐसी अगर कोई मैगी के ऊपर कॉमेडी कर रहा है उसको किस बात का डर है? अब कामरा को देखो कितनी केसेस भी हो गए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो गए, एयरलाइन ने भी बैन कर दिया, फलाने भी, वो चुप हो रहा है. सुधीर के साथ ये है कि कोई फिल्म उसकी बेहतरीन होती है और कोई फिल्म बिल्कुल ही मतलब शायद उसका मूड नहीं होता बनाने का. बट ये वो देखेंगे, पता है ना आपको. हाँ, मैं खुद भी जो लोग भाई हमें पैसे नहीं मिले यार इसमें किसी भी उससे. आई होप मिले होते. आपको मिले? मैं अपना डीजल खर्च करते हैं. मुझे पार्किंग भी नहीं मिलता. यस, मेरा तो एक ही है, अफवाह देखे जाके. और आप सबको भूमि फेड़ने कर बनना पड़ेगा, अपने घर में रिवोल्ट करना पड़ेगा. Wow. Nice is a very lazy word. कैसी दुनिया में हम जी रहे हैं कि nice is a bad word. There are full essays that have been written on the word nice. How it is the laziest word in the English vocabulary. Hello and welcome to the Quint. और इस episode में हम आपके साथ लेके आए हैं एक nice person और एक wonderful person. क्योंकि अभी अभी हमें पता चला है that nice is not a good word. It's a lazy word. It's a lazy word. So I should use it. No, I am lazy. Okay, scratch that. We are talking about the film Afwaah और उससे जुड़ी कुछ बातें. So बताइए पहले तो first thoughts क्या थे? मैं तो क्योंकि सुधीर के साथ काम कर रहा हूँ एक और फिल्म पे, तो मुझे तो प्रोसेस मालूम है सुधीर का. और फिल्म की चर्चा वहाँ पे हो रही थी जब हम, क्योंकि उसका वो टेक्निकल कट जो होता है वो सब चल रहा था वहाँ पे. सो एवरीबडी वॉज एक्साइटेड अबाउट इट. बट सुधीर के साथ ये है कि कोई फिल्म उसकी बेहतरीन होती है और कोई फिल्म बिल्कुल ही मतलब शायद उसका मूड नहीं होता बनाने का. बट ये वो देखेंगे, पता है ना आपको. हाँ, मैं खुद भी भेज दूंगा. नो, बट ये तो उनके सामने भी बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि वो क्रिटिक्स ही वो अपनी फिल्म खुद ही बोल देते हैं ये मैंने क्या बकवास बनाई थी यार. तो एनीवे, तो जब पहली बार अफवाह देखी, आई थिंक मुझे तो ये लगा कि जो हमारे जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं उसका अच्छा सा, उसका एक बहुत ही सच्चा डॉक्यूमेंटेशन है वो. तो जो इस वक्त हम जिस तरह की इंडिया में फंसे हुए ही बोलूँगा मैं, तो इट हैज़ बीन वेरी एक्यूरेटली डॉक्यूमेंटेड एंड वेरी वेल मेड. और कुछ चीज़ें तो उसमें ऐसी हैं जिसको मैं बहुत बार अपने स्टैंड अप्स में लिखता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, लेकिन कभी सिनेमा में दिखाया नहीं गया. जैसे कि वो एक लास्ट में वो लिटरेचर फेस्टिवल को एक्सपो किया गया, तो आई क्वाइट लाइक इट. और मुझे तो ये लगता है कि वक्त की ज़रूरत है इस तरह की फिल्में बनना. वेरी वेल पुट. So, I actually had a very different impression of the film when I watched the trailer. I thought it was a very weirdly cut trailer. I had no great expectations out of it. I thought the cast was exciting. Sumit Vyas, Bhumi, Nawazuddin, and of course, it's a Sudhir Mishra film. So, you're always very intrigued by it. But when I went and watched the movie, the first half I thought was very well paced. The second half is the one that was really such a shift in my head, you know, and I was like, wow, this is really the return of Sudhir Mishra. One, two, the question that we've all been discussing, and I remember Sanjay also asking Sudhir Mishra the same question. आपने ये picture बनाई कैसे? Censorship ने pass कैसे की? ये बहुत लोग पूछ रहे हैं. So there was like I think people should not go by the trailer. Sadly, it's not a great trailer to cut. But I think the film is far more powerful. And I remember at the screening when Sanjay and I had gone, we were talking about something and I said, you know, there are no heroes in the film. Yeah. Everyone's a victim in the film. Yeah. You know, because everyone is losing something or the other. Even the bad guys are losing something or the other. Whether it's the that
Sumit Vyas's character or his Lackey's character or Bhumi's character, Nawaz's character, and the character of a city and a state and a country that is, you know, in this sort of turmoil that is being fueled by fake news and IT cells and, you know, politicians wanting to, you know, lagao aag everywhere. So I was very impressed with the film. Sabse matlab ek interesting टच जो मुझे बाद में मैंने सोचा जाके तो नवाजुद्दीन का जो कैरेक्टर है वो इनिशियली जब वो वेनिगर्स इंट्रोड्यूस हो बताता है कि कैसे कैम फोन से रिकॉर्ड कर पावर ऑफ यू नो स्मार्टफोन्स की आप इंसिडेंट रिकॉर्ड करके उसे बाय द वे Guys, spoilers. Yes, yes. मैं भी वही सोच रहा था. Anybody wanting watching this video should know there are going to be spoilers in the conversation. So either you watch the movie and then watch the video or वो मतलब बेसिकली पावर ऑफ स्मार्टफोन्स एंड सोशल मीडिया एंड हाउ न्यूज कैन बी manufactured and how easy it has become aur jo people who are in power unke liye to haath mein rakha hua ek hathiyar aa gaya na ye ki wo jaise marzi usko istemal kar le aur jis desh mein zyada tar janta ke paas smartphone hai lekin education basic education basic even critical thinking nahi ki kami hai to wahan to ye ek it can very easily hathiyar civil war karwa sakta hai yaar aur chote chote matlab mini mini civil wars karwa chuka hai Already, वो फिल्म में भी हाँ exactly और एक tagline है शायद ट्रेलर में ये what if the monster chasing you is a अफवाह तो me you सौम्या हम सब जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं कोई भी किसी के बारे में भी अफवाह उड़ाई जा सकती है और फिर कुछ भी हो सकता है क्योंकि I think हिंदुस्तान में एक चीज फिल्म ने बहुत अच्छे से बताई कि हिंदुस्तान में लोगों के पास I don't know जो ये जो भी राइट्स करने जाते हैं या जो भी लिंचिंग करने जाते हैं ये गौर रक्षक जो भी हैं सब शायद कुछ उनको लगता है ये पर्पस मिल गया मेरे को अपनी लाइफ का कुछ मेरा इंपॉर्टेंट हो गया कुछ में ग्रुप का हिस्सा हो गया क्योंकि अदरवाइज तो इट्स लाइक मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था क्विंट में कांवड़ के टाइम पे पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा कि जब ये कांवड़ यात्रा नहीं होती उसमें तो ये सारे सड़क पे बैट वैट लेके घूम रहे होते हैं और जो है ट्रैफिक रोक रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारे लिए कावड़ होता था स्कूल की दो दिन छुट्टी हाँ तो यहाँ तो आप सड़कों पे पूरा हरिद्वार से लेके यहाँ तक पूरा एंड आई सी अ लॉट ऑफ पीपल कंप्लेनिंग कि यार ये क्या हुलिगैनिज्म हो रहा है और गुंडागर्दी हो रही है सड़कों पे इनको खुला छोड़ रखा है बट इफ यू लुक एट इट कि ड्यूरिंग दोज डेज जब ये कांवड़ चल रहा होता है तो ये जो लोग कांवड़ लेके चल रहे हैं दोज प्रोबेबली आर द ओनली फ्यू डेज जब इन लोगों को कोई इंपॉर्टेंस मिल रही होती है स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी फूल फेंक रहा है पूरे रास्ता अलग से कॉर्डन ऑफ किया जाता है बीजेपी भी उनके स्वागत में बैठा हुआ है एंड उनको पहली दफा लगता है कि हमारी भी कोई इंपॉर्टेंस है कुछ है और वो पब्लिक स्पेस पे अपना राइट फिर एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं इफ यू कंपेयर इट विद जैसे आप कभी भी पब्लिक स्कूल जो होते हैं महंगे महंगे उनके सामने छुट्टी के टाइम देखा करो जो पेरेंट्स होते हैं पूरी सड़क घेर के बच्चों के साथ रेल पेल मच रही होती है हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट कांवड़ आर डूइंग और शादी बरात निकल रही होती है तो पीछे ट्रैफिक कुछ हो एम्बुलेंस कुछ हो उन्होंने अपना गोली चलानी है डांस करना है और मतलब तो वो अपना हक जता रहे हैं पब्लिक स्पेस के ऊपर और ये इन चार पांच दिनों के अंदर समाज का वो तबका जिनको अदरवाइज समाज ने बिल्कुल ही लात मार के बाहर फेंका हुआ है शायद बीट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन बीट इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल बेसिक राइट्स नौकरी पढ़ाई कुछ और मेरे ख्याल से कोई पेटी क्राइम भी होता होगा तो पुलिस इन्हीं को उठा लेती होगी पूरे साल इनका शोषण होता है पूरे साल दे आर नॉट पार्ट ऑफ द नैरेटिव एंड सडनली इन दीज डेज दे फील इंपॉर्टेंस दे फील दैट उनका भी कोई हक है और तो ओवर हो जाते हैं जाहिर सी बात है वो बिल्कुल ही होंगे जब हम लोग ही शादीवादी में और स्कूल के बाहर पढ़े लिखे लोगों को देखो किस तरह की हरकतें करते हैं तो फिल्म में भी वही दिखाया फिल्म में भी वही है द लैकीज ऑफ द वरना द सुमित व्यास कैरेक्टर फील सो इंपॉर्टेंट दे फील लाइक दे हैव अ पर्पस देयर इज अ लार्जर कॉलिंग देयर इज यू नो वी आर डूइंग दिस
to elevate Banna's position in in politics and in society. Even the Sharib Hashmi wala character, he's like so... It's such a well-written character. It's so such human a character because again... इन कैरेक्टर्स को ऐसा साइडलाइन करना इवन मूवी में बहुत आसान होता है कि ये तो ऐसे ही हैं, तो गुंडे हैं, बट या यू कैन गिव इट अ वेरी 2D शेड, यू नो, बट द थिंग इज यू डोंट लाइक, फॉर मी फॉर इंस्टेंस, आई डिडंट फील एनी सिंपैथी फॉर शारिब्स कैरेक्टर, आई डिडंट फील सिंपैथी फॉर हिम, बट आई कुड सी हिम रीचिंग अ पॉइंट वेयर ही फेल्ट बिट्रेड, एग्जैक्टली, क्या मेरे साथ धोखा हुआ है, मैंने तो आपके लिए पूरी लाइफ मैंने बचा दिया, इतना मैंने आपके लिए कर दिया, एंड लाइक you know, I have not got that. Also, one very interesting thing in the film, and I think we must talk about it, is that, you know, every time we talk about fake news and people manufacturing fake news, my experience in cinema, OTTs, and, you know, watching shows or whatever, has always been that it's a numbers thing. Ki, you know, wo aapko dikhayenge, itte retweets ho gaye, itte tweets ho gaye. Tuk, 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 Twitter ka counter banta hai. You know, that very typical visual that they show. But almost never, they almost never show the people behind it, the personalities behind it. I would say this is like a criticism of our news media as well, where even when media talks about fake news, it talks about not the people, not those IT cell, उसको एक ब्रांड कर दिया जाता है कि अच्छा ये तो IT cell है और उसको एक ऐसा monolith की तरह देखा जाता है, but again as you were you had no, but actually I kind of disagree because I believe that when a lot of the news organizations were doing stories on the trads and the raitas and you know all of that, there was great importance given to the actual human faces behind these accounts, right? It should be, I think. Which in a lot of long form journalistic writing, I had read a lot of pieces that were giving you कि हाँ ये बंदा है, इसकी ये बैकग्राउंड है, इसकी ये जिंदगी का, यू नो, ये है, एंड दिस इज हाउ दिस पर्सन बिकेम हूएवर ही शी बिकेम, बट आई हैड नॉट सीन दैट इन सिनेमा, इसमें है, बट ऑफ कोर्स लाइक इट्स अ गुड स्टार्ट, आई विश इट वाज डीपर एंड आई विश इट वाज ऑल ऑफ दैट, बट इट वाज सो एक्साइटिंग टू वॉच that, you know, they've told you that here is this man morally completely unscrupulous, has no morality whatsoever. Jo sabse pehle bhagta hai, when things go wrong, sabse pehle bhi bhagta hai. You know, his only thing is, he's so obsessed with numbers. Yeah. His only thing is, how can I make this video go viral? And how can I spin it? Yeah, and you know, I think it's so important for the audiences to watch this and understand and be able to discern, you know, we need people to understand ki everything that's coming on your WhatsApp, everything you're seeing on some random YouTube channel may or may not be the truth, because now it's so easy to edit things in a way that you can completely twist the story. How here, again, spoiler, the love jihad angle that comes in, right? So bizarre. Even the beef wala angle was... Just, you can spin anything out of anything. And at the same time, jab hum love jihad aur beef ki baat kar rahe, I think ye movie, it also talks about in a very small way about how fake news is so rampant around her. As you said, ki wo jo TED Talk wali cheez hai, that is essentially fake news. Even jab ek scene hota hai, jab wo truck driver se baat kar raha hota hai, and he talks about, maine ek kidney bech di apni, aur ab meri dusri kidney ugayegi. I think that was also one of our favorite scenes. Wo kitna, matlab itna sharp scene hai wo, ki, but I actually felt, I felt sympathy for Sharib. Exactly, even I treated him as a victim of sorts. Victim. Eventually, as Soumya mentioned, कि सभी इस movie में कोई hero villain वाली dichotomy इतनी नहीं है. वो जो last में truck वाले के साथ होता है, उस time वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है. उसके लिए जो fundamental battle वो है. वो हिंदू मुसलमान नहीं है उसके लिए. And eventually, when the truck driver is shot. वो उसको तमीज से दफनाता है और उसके मैसेज छोड़ता है. सो देयर इज सम ह्यूमैनिटी इन दैट कैरेक्टर. अगर उसको सही सर्कमस्टेंसेस दिए जाएंगे तो प्रोबेबली ही विल आल्सो बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. बट जो सुमित व्यास का कैरेक्टर है, वो उसको अपनी सहूलियत के हिसाब से सर्कमस्टेंस दे रहा है कि तुम यहाँ पे रैम्पेंट अपना बिगटरी फैलाओ और वायलेंस दिखाओ. एक्चुअली चक्कर ये है ना, बिगेट्री तो शायद ना हमारे समाज में पहले से ही शायद का 100% थी. ठीक है भी, मतलब और होता ये है कि और दुनिया में हर सोसाइटी के अंदर हेट्रेड ह्यूमंस में आई थिंक वो है और अदराइजेशन बहुत है. द पावर ऑफ गवर्नेंस इज कि किस तरीके से ये एक नैरेटिव एस्टेब्लिश कर दिया जाए पूरी सोसाइटी के अंदर कि इसको बाहर नहीं ला सकते क्योंकि ये बाहर लाना गलत है, जो हमने काफी टाइम तक
ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे पर मैनेज कुछ भी मैनेज वी मैनेज अभी क्या उसको ना लेजिटिमाइज करके सेलिब्रेट कर उभारा जा रहा है उसको बाहर निकाला जा व्हिच इन अ वे इज एक मंथन भी कह सकते हो कि जो इतने अंदर इतने सालों से दबा हुआ था वो फाइनली बाहर निकल के आ गए हो जाए सफाईयर एक बार तो फिर ताकि बाद में देखें कुछ आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल यूज दिस एग्जैक्ट सेम लाइन When they are going on their rants, ki ho jaane do safari, ek baar ho jaane. But isme problem yehi hai na ki अभी हम इसमें विक्टिम नहीं है exactly. तो इसलिए अब हमें मतलब एक्चुअली इनफैक्ट डायरेक्टली तो विक्टिम नहीं है ठीक है तो इसलिए हम कह सकते हो जाने दो लेकिन जो अगर इकलाक की फैमिली ये बोले कि हो जाने दो तो वो तो मतलब वो तो नहीं बोल पाएगा जिसको जिसको अफवाह पे तो मारा गया कि फ्रिज में बीफ है और उसके बाद कितने सारे और वो लिंचिंग हुई तो हम कह सकते हैं वो जाने दो कोविड के टाइम पे कितना मतलब आई कुड सी सो मच जस्ट मिस इन्फॉर्मेशन विच आई मीन एज यू सेड इन इवन आवर रिव्यू दैट यू डिड कि वो जान ले सकती है मतलब किसी की Fake news is dangerous. Fake news, when it comes to like actual propaganda, rumor mongering, वो It's not just मतलब एक टाइम पे होता था वो जब इंटरनेट नया नया आया था कि इस पे कर्ब करना चाहिए ये आगे जाके बड़ा हो सकता है बट एज इवन इन दिस फिल्म इज शोन ये अब कोई फ्यूचर की चीज नहीं है दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग एवरी डे इन इंडिया इन द वर्ल्ड अगर आप उसको दर्शक से टेक्नोलॉजी विल इवॉल्व आगे कुछ और भी अभी चैट जीपीटी वगैरह वो सब आ गया है कुछ और भी होगा अगर हम कुछ साल पहले नहीं सोच जब व्हेन आई वाज यंगर देयर वर नो मोबाइल फोन्स कि हमें तो सोच के भी लगे कि कहीं पे भी जा रहे हो फोन हाथ में और कोई बात कर रहा है तो इंटरनेट भी नहीं था थिंग्स ये तो होती रहेंगी चीजें हाय मुझे याद है मैंने पहली बार जब किसी मैच की क्लिप अपने फोन पे देखी थी मैं सोच रहा था ये बस इस यहीं तक है एवोल्यूशन इसके बाद ये इससे आगे नहीं पहुंच सकती सोसाइटी लेकिन ये जो जैसे WWF है वो फेक न्यूज है WWF जो लड़ाई हुई उस दर्शक पागल हुए जा रहे हैं मैं इसकी साइड हूँ झूठे घुसे मार रहे हैं और सब कुछ स्क्रिप्टेड है सारा सिनेमा आप देखो तो स्क्रिप्ट है तो एक तरह से फेक न्यूज ही है ना लेकिन अगर आप उसको डिटैच होकर दर्शक की तरह देख रहे हो तब तक मैं समझता हूँ कि हाँ वेरिएबल है लेकिन आप उसमें पार्टिसिपेट करके और फेक न्यूज की वजह से आप इंसानी जान तक लेने पे आ रहा अब शोले देख के मैं कोई गब्बर ढूंढ के मारने तो नहीं जा रहा ना कि कोई गब्बर मिलेगा कि मैं उसको मारूंगा तो बट कोई भी घोड़े पे आदमी दिखा उसको मार दो बट द मोमेंट आई स्टार्ट डूइंग इट बट यही चीज तो हो रही है ये अब हो रहा है और ये इसलिए हो रहा है कि जैसे कि मैंने पहले कहा ना कि गवर्नेंस का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एक बेसिक हेटेड और बिगेटरी सोसाइटी के अंदर होती है उसको इलीगल बना दिया जाए इलीगल एंड इमोरल अगर पहले भी बात होती थी लेकिन हश हश करके होती थी मतलब यार ये बोल नहीं सकते जोर से क्योंकि रिडिकुल करा जाएगा अभी तो खुल्लम खुल्ला है तो अब अगर सरकारें और ये पॉलिटिशियंस और खुले होके ये बोलने लग जाएं कि मुसलमानों से भी कुछ सामान नहीं खरीदोगे तो जिसके अंदर वो बीज बैठा हुआ है वो तो खुल के बोलेगा बाहर आके legitimization na that my political leader is saying this not only legitimization celebration 100% ke wo jisne wo jamia pe goli chalayi thi jis ladke ne usko reward kar diya gaya hai to aur jo uske khilaf awaaz utha rahe hain unka prosecution ho raha hai to ye aur unke khilaf fir aur afwahein udh rahi hai jaise hum character pe umar jaise ab tihad mein hai sirf ye bolne ke liye ke हम गांधी जी के रास्ते पे चलते हैं और वो अगर लाठी मारेंगे तो हम प्यार से जवाब देंगे और हम कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव करते हैं वो जिलेबंद है हजार दिन होने वाले हैं और फेक न्यूज उसके खिलाफ चलाई है सब न्यूज चैनल से बुला बुला के कौन सुन रहा है एक तरीके से डंबिंग डाउन प्रोसेस जो शुरू हुआ था वो कंप्लीट हो चुका है तो अभी पढ़े लिखे लोग really think कंप्लीट हो चुका है हाँ सर मतलब इससे और क्या होगा जब आप जो है पकड़ पकड़ के जिंदा जला रहे हो काट रहे हो मार रहे हो टीवी पे मर्डर हो रहे हैं लाइव और कहां तक लेके जाओगे इसको फिर तो मतलब ये है कि लाशों को उखाड़ उखाड़ के उनको म्यूटिलेट यही करना बाकी रह गया तो ये सब माहौल जो बनाए आई थिंक वी हैव टू यू नो पुट रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां पे हमें ये डालनी चाहिए ये तो बहुत हो गया कि पॉलिटिशियंस ने इसको लेजिटिमाइज एग्जैक्टली दिस इज इवन कमिंग बैक टू द फिल्म आई डोंट थिंक द फिल्म नेसेसरली टेक्स अ political stand when it comes to party या फिर इसने करा है ना it talks about people behind लोगों के बारे में अफवाह के nature के exactly which is one of the most beautiful things about जो लेकिन जो सबसे important बात जिसको मैं बार बार वो बोलता रहता हूँ जहाँ मौका मिलता है जो भूमि के character ने उस film में किया ना
कि उसका फियांसे ये कर रहा है, उसका बाप ये कर रहा है, उसने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एंड आई एम गोइंग आउट. दिस इज व्हाट वी ईच वन ऑफ अस हु बिलीव्स इन यू नो ह्यूमन डिग्निटी, हु बिलीव्स इन द आइडिया ऑफ इंडिया, हु बिलीव्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव टू डू दिस. इंडिया वगैरह से भी आगे जा चुकी है बात. इंडिया तो बहुत मतलब बिल्कुल बिल्कुल जा चुकी है. दिस इज अबाउट बेसिक ह्यूमैनिटी आई वुड से. इट्स नो नो नो, इट्स आल्सो अबाउट द आइडिया ऑफ इंडिया. इट वी कांट डिस्कार्ड दैट. इट्स नॉट दैट ओ इट्स जस्ट अबाउट बेसिक ह्यूमैनिटी एंड डिसेंसी. ऑफ कोर्स इट इज, बट इट्स आल्सो अबाउट व्हाट आवर कंट्री स्टूड फॉर. एग्जैक्टली. एंड आवर कंट्री एट वन पॉइंट ऑफ टाइम डिड स्टैंड फॉर दिस आइडिया ऑफ बेसिक ह्यूमैनिटी. या फॉर व्हाट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डज इट से, व्हाट आर द पीपल हु फॉट फॉर द कंट्री. You know what they stood for. Mm-hmm. You know, so I mean, of course, I don't think it's just about basic humanity. Basic humanity is garib aadmi ko pani pila diya, chidiya ko pani pila diya. You know, that's not what we're talking about. Mm-hmm. We're saying you want to fight for the idea of India. Mm-hmm. You know, and it's very important for us to want to protect that idea of India for the future. Yeah. You know, so it remains that. But also one very interesting thing we should talk about, I think, is the way Sudhir Mishra has called out the liberal elite in the film. I thought it was phenomenal. You don't just call out the bigotry and, you know, the problematic nature of things. What are the people doing who have the power to do something? You call out your own self. Yeah. Just something, a literature festival happening just kilometers away from a scene where, you know, there is this whole dance of death that is being, you know, that's taking place. And for that group to be so insulated, to be so, to be so cocooned, right, to not understand what's happening, to talk about great liberal ideas in literature and arts and, you know, our liberal mind and thinking and, you know, all of that. And you realize it's such faff. It holds no meaning. Because when it comes to real life, you're not willing to take one extra step to protect people who need it. And I know this for a fact that there was at a very prominent literature festival in the country when there were a group of students who reached and wanted to do an anti-CA protest. The organizer, who's also a very liberal man holding this very liberal festival, did not allow their entry, you know. There was a, I mean, are you telling me a literature festival, literature which is fully rooted in the ideas of questioning power and you know, talking about equality and so on and so forth, is not an ideal space for citizens to protest? How is a literature festival not an ideal space for that? And that, the way Sudhir Mishra calls that out, to me, was just, I think this is why the liberal elite needs to go and watch this. It was the one of the high points of the film. Because ये ना वो मैंने तो उस जो मैंने आर्टिकल उसमें लिखा भी था, ये कास्ट सिस्टम रीपैकेज है एक तरीके से, कि मतलब एक प्रिविलेज क्लास ने अपने आप को आइसोलेट कर दिया, अपना एक इको चैम्बर बना दिया है और उसमें एक प्रिविलेज ही घुस सकता है और दूसरे को अलाउड भी नहीं है जाना, और उसी में ही वो डेमोक्रेसी भी सेलिब्रेट करते हैं, डाइवर्सिटी भी सेलिब्रेट करते हैं और प्रोटेस्ट की वो सब करते हैं, बट अंदर से कितने खोखले और हॉलो हैं ये अच्छे से दिखा दिया. और मुझे तो बड़ी बड़ी सबसे ज्यादा तसल्ली मुझे वही देख के हुई थी, सुमित व्यास के कैरेक्टर के साथ जो हुआ उससे भी ज्यादा तसल्ली मुझे ये देख के हुई थी. और वो बेचारा बाहर दरवाजा पीट रहा है, आने दो, नहीं नहीं हम नहीं आने देंगे. और ये जो ये आपने पहले बोला था ना सौम्य, कि ये फिल्म बनी कैसे और सेंसर से कैसे पास होगी, तो अभी नाउ यू मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सीए वाले प्रोटेस्टर्स को आने नहीं दिया. तो इससे पहले कि कोई और कुछ करे, सेल्फ सेंसरशिप करने लग गया. तो मैं सिर्फ सुधीर साहब से पूछा, मैंने कहा पास कैसे करा ली, एंड बिकॉज आई हैव वर्क विद हिम, तो मेरे कुछ मैं लिख रहा हूँ अगर तो, और मैं पूछता हूँ ये ज़्यादा हो गया क्या, तो इसे ज़रा लिख दो यार बाद में देखेंगे. एंड दैट इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस डू व्हाइल राइटिंग आवर स्टफ, राइट, कि ये ज्यादा तो नहीं हो गया. हां, एंड तो लिख दो यार बाद में देखेंगे. सो उन्होंने सेल्फ सेंसरशिप नहीं करी, तो सेंसर को अपना काम करना आता ही नहीं है. इंटरेस्टिंग वे टू पुट इट. तो उनको 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 कटवर्ड बोले होंगे कि आप छोटे तो ही टोल्ड अस, ही सेड देयर वर माइनर कट्स दैट वर डन, बट दैट्स अबाउट इट. अब आप देखो, विशाल ने जब हैदर बनाई थी, ठीक है, 90% of filmmakers or writers will not even write that. ये सोच के ये तो भाई impossible है, but उसने बना दी. यही craft है, यही technique है, और actually
ये जो लिबरल एलीट की बात करो ना, लिटरेचर फेस्टिवल, ये करते हैं सेल्फ सेंसरशिप. इनको सबसे ज्यादा डर लगता है कि कहीं यार ये ना आ जाए. अरे आने तो दो ना यार. हाँ, हाँ. खुद. और ये बहुत सारे मैंने स्टैंड अप कॉमेडी में भी बहुत देखा है. आजकल इंडिया में जो है ना कॉमेडी के लिए स्पेस श्रिंक हो रहा है. सारे कॉमिक जो है ना डरे हुए हैं. आई वाज सो एंग्री बाय नॉट ऑन दैट पर्सन वाज सेइंग दिस बट ऑन द कॉमिक्स. किसको अरेस्ट किया? कौन सा स्टैंड अप कॉमिक है जो जेल गया है? इज दिस बिफोर द मुनव्वर? मुनव्वर डिड नॉट गो टू जेल बिकॉज ऑफ हिज कॉमेडी. एग्जैक्टली. या ही वेंट टू जेल बिकॉज ही वाज अ मुस्लिम. बिकॉज या कॉमेडी तो उसकी आई ही नहीं बीच में. ये कौन सा स्टैंड अप कॉमिक है इंडिया में जो डर के मारे अपने आप को सेंसर कर रहा है? Yeah, but I don't think people's fear is arrest or legal action. People's fear is the backlash they are seeing on social media and sometimes in person. Yeah. I think it's that ki mere naam ka hashtag chal jayega, to meri yahan se sponsorship deal chali jayegi, mujhe yahan se de-platform kar diya jayega. It's the fear of being de-platformed. I mean, either you fight it out and say, you know what, I stand for this, this is who I am. You want to deplatform me. But then again, we're talking from such a place of privilege. Yeah. You know, for me to say ki, I mean, why are comedy is also paying people's bills, na? You know, for me to think ki, oh, they should be braver about it. I don't know. I just feel that this online mob is vicious. Koi bhi ye online sirdardi koi mool nahi lena chahta. Because already sabki life mein itna kuch ho raha hai. Daily ki struggle. And online is vicious. Yeah, yeah. Aur wo vicious. मतलब आपके दोस्त वो उनको भी नहीं छोड़ते, घर वालों को भी नहीं छोड़ते. हाँ. किसी को भी नहीं छोड़ते. पर मैं ये कह रहा हूँ कि स्टैंड अप कॉमिक्स भाई अगर वो ब्रेव हो जाए तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, ठीक है. लेकिन अगर कोई नहीं हो रहा है ब्रेव, कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की कॉमेडी कर रहा है, गुड फॉर हिम और हर, जो भी वो कर रहे हैं, लोगों को हंसा रहे, कहानी सुना रहे, अच्छी बात है. लेकिन वो ये ना बोलें कि यार हमको डर लगता है हमारी स्पेस श्रिंक हो तो रही डर है. तो एक्चुअली में फिर तुम्हें अपने आप से ही तुम्हें मतलब ये लग रहा है. तो तुम डर का माहौल और फैला रहे हो फिर तो ना यार. तुम ऐसी अगर कोई मैगी के ऊपर कॉमेडी कर रहा है उसको किस बात का डर है? किस कोई चाय के ऊपर कॉमेडी कर रहा है, किस कोई इंजीनियरिंग के ऊपर के उसमें लड़कियां इतनी कम है, कोई सामने बैठे क्या करते हैं कि आप दोनों कपल हो, हाँ कितने साल हो गए, वो बोलेगा चार, वो बोलेगी पांच, यू आर नॉट गेटिंग इट टुनाइट, यू आर नॉट गेटिंग इट टुनाइट. इसमें क्या डर है? कौन तुम्हें इसके इस पे तुम्हारे पे 295A 295B डालेगा? कौन तुम्हारे पे को अरेस्ट करेगा? कौन तुम्हें ट्रोल करेगा? डोंट से दैट ना. तो इससे क्या जब बोलो आके बोलेंगे कि डर लग रहा है इसीलिए ये सब करना पड़ रहा है. हाँ तो नहीं, पर क्या होता है व्हेन यू डू दिस एंड यू से कि स्पीसीज आर श्रिंकिंग, हमें कॉमिक्स को डर लग रहा है, तो आप वो डर का माहौल और बढ़ा रहे हो. जबकि तुम्हें कोई डर नहीं है, तुम अपर कास्ट हिंदू हो यार. तुम्हारा नंबर ना क्यू में सबसे लास्ट में है. तुमसे पहले बहुत लाइन लगी हुई लंबी, तुम लास्ट में नंबर है. तुम्हें अभी डरने में तुम्हें टाइम है. Yeah. अभी मत डरो. और ये माहौल बनाना कि कॉमिक्स में ये हो रहा है, ये हो रहा है. अब कामरा को देखो, कितनी केसेस भी हो गए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो गए, एयरलाइन ने भी बैन कर दिया, फलाने भी, वो चुप हो रहा है. कुछ चुप करा के दिखा दे उसको. आई थिंक विच इज वाई दैट होल सीन ऑफ द लिट फेस्ट, इट वॉज Like, एक तो वो क्रिटिक तो था ही, बट आई थिंक फॉर मी इट वॉज अ पॉइंट ऑफ ग्रेट सेल्फ रिफ्लेक्शन कि क्या मैं भी कभी कभी ऐसा करता हूँ. बिकॉज दैट होल विजुअल इज लाइक माई पर्सनल नाइटमेयर. कि मान लो हम लोग अभी यहाँ पे पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और बाहर कोई अगर आदमी ठक 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 कर रहा होगा, क्या मैं अपने पॉडकास्ट की सोचूंगा या मैं अपने या मैं उस इंसान को बचाने की सोचूंगा? आप सोच सकते हो पॉडकास्ट, मेरा तो है नहीं, मैं जा खुद मतलब समझ रहे हो कि दैट सीन वो उसने वो इमेजरी लेके आई कि एम आई आल्सो समटाइम्स यू नो फॉलोइंग नोइंगली और अनोइंगली दोस ट्रैप्स. या बट यू नो आल्सो कैन आई टेल यू अपार्ट फ्रॉम दिस सीन ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, आई वाज आल्सो थिंकिंग भूमिज कैरेक्टर, राइट? लाइक हाउ शी सेज कि आई एम नॉट गोइंग टू साइड विद माय फादर एंड आई एम नॉट गोइंग टू साइड विद माय फियांसे एंड व्हाटएवर, एंड आई जस्ट don't stand for this, like I will not stand for this. And I was thinking, would I do this though? No. You know, exactly. it's not easy to get out of these familial relationships. Will you stand up against exactly your none parent? Of this is easy and yeah, will you stand up against your parent? No. Will you break off a marriage? Would you take the risk of being this woman that an entire city is going to chase the after. Outcast, essentially. You know, I don't know. I often feel that we watch it in cinema and we
think it's the right thing to do and we believe we can do it. But my self-reflection took me in this black hole where I was like, would I go down the same path? Yes. And sometimes I'm not too sure. But Samay, it's about conviction. If you so strongly believe in something that if you betray that belief, yeah, and it makes you really feel shitty about yourself, you're uncomfortable, you're not able to sleep, और आपको अपने पे ही धिक्कार महसूस हो रहा है, तो conviction पर depend कर, अगर आपका इतना solid conviction है ना, then all these things don't matter at all. यार हमारे यहाँ तो इतने examples हैं, अब सबसे common example जो है भगत सिंह का ही ले लो, ठीक है, and he was just 23, ठीक है, उसका conviction इतना strong था that he refused to कि मैं माँ बाप से और सब माँ बाप आके उससे रिक्वेस्ट भी करते रहे मिलने के लिए, और ये वो लेनिन पढ़ रहा था जिस दिन एग्जीक्यूशन था उस दिन ही लेनिन पढ़ रहा था. इट्स अबाउट कन्विक्शन. अब ये जो फैमिली यूनिट है, और इसके लिए मुझे पता है ट्रोलिंग रोलिंग भी होगी मेरी, बट तो बहुत पहले से शुरू हो चुकी है ट्रोलिंग, तो फर्स्ट मिनट से ही शुरू होगी. आई हैव ऑलवेज सेड दिस, तो मैं अभी कोई नई बात नहीं कर रहा. फैमिली का जो यूनिट है ना, मतलब सबसे ज्यादा फासिस्ट यूनिट वही है सबसे ज़्यादा, मतलब जो स्पेशली इंडियन फैमिलीज में, मतलब क्योंकि एक कि आपको बाप की रिस्पेक्ट करनी है. क्यों करनी भाई, क्यों है ना, we've had so many conversations about this. अब वो ही घर से बाहर ट्रांसलेट हो रहा है कि अब आपको पीएम की रिस्पेक्ट करनी है. डेमोक्रेसी फॉर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल है ना, और पीपल हम है. बट कुछ और ही हो रहा है. पूरी दुनिया में गवर्नमेंट्स डिफेंड पीपल, यहाँ पीपल आर डिफेंडिंग द गवर्नमेंट. तो ये और ये शुरू कहाँ से होता है, ये जब भी आप अपने घर में अपने किसी बड़े बुजुर्ग से कोई सवाल पूछते हो तो झापट पड़ जाता है. तमीज नहीं बड़ों के सामने, तो ज्यादा पढ़ लिया, ज्यादा पढ़ा लिया तेरे को. एंड इफ यू आर अ वुमन, हाँ, तो तुम्हें छूट ज्यादा दे दी, जबान ज्यादा चलने लग गया, तो फिर मत देते. आप नहीं कर रहे ना, आपने में पढ़ने भेजा और हम पढ़ाई का इस्तेमाल ही ना करें. तो अब आप सवाल पूछ लो कोई भी, ये दिया क्यों चल रहा है, या ये नमाज क्यों हो रही है, या कुछ भी हो रही है, तो फटाके पढ़ता है. तो सवाल करने का जो एक वो है टैलेंट ही बोलूंगा, वो तो वही मार दिया, स्किल खत्म कर, वही खत्म कर दिया. तो उसके बाद जो वो बच्चा बड़ा होता है, वो सब में से वो मतलब पावर के सामने वो सवाल पूछना उसे आता ही नहीं है. उसे लगता है यही नेचुरल है कि रेस्पेक्ट. अब जब रेस्पेक्ट का इक्वेशन रहेगा तो फिर यही बच्चा जो है ना अफवाह भी फैलाएगा, क्योंकि मेरे से ऊपर वाले ने बोला है, भेजा है. हाँ. अब टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज बन गई है, सब लोग इसको अपने से ऊपर ही समझते हैं. अब व्हाट्सएप ग्रुप इज ऑलवेज बिगर देन अ पर्सन, तो वो उसको फैलाएगा भी, और फिर ये वन थिंग लीड्स इनटू अनदर, एंड देन वी सडनली रियलाइज दैट वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहां पे आपको घर से निकलने के बाद आपको पता नहीं है कि क्या हो जाए, क्या कर दे कोई, क्या बोल दे कोई. गाजियाबाद में मेरे ख्याल से एक केस हुआ था कुछ, आई थिंक लास्ट ईयर की या लास्ट लास्ट ईयर की बात है. सोया चाप नहीं होता, ठेले पे एक बंदा सोया चाप बेच रहा था. दो बंदों ने ये लगा दिया कि तू टेंपल के ऑपोजिट, हाँ, कि तू मीट बेच रहा है, मार दिया. आई रिमेम्बर दिस. तो और वो हिंदू ही था जो मरा, जिन्होंने मारा वो हिंदू थे, बेचारा सोया चाप बेच रहा था. अफवाह का शिकार. अफवाह ये भी नहीं कि व्हाट्सएप ग्रुप से जाएगी, मैं और ये आपस में बीच में मैं बोल सकता हूँ तूने, हाँ, एक तीसरे के खिलाफ है. एक और बंदा कि इसने ना अभी गौ मांस खाया है, बस होगी, हो गया काम. व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं चाहिए. करेक्ट करेक्ट. तो इसका किया क्या जाए दोस्तों, पॉडकास्ट का नहीं अफवाह का. मतलब क्लियरली, मतलब दिस आई एम द यंगेस्ट इन दिस ग्रुप एंड दिस इज पेंटिंग अ वेरी डूम्सडे वाली पिक्चर. हाँ, तुम्हारे लिए तो मुझे बड़ी बड़ा बड़ी दया आती है यार. तुम्हारे जो बुजुर्ग हैं, मतलब फैमिली के लोग हैं, और हमारी फैमिली के भी, क्या दुनिया छोड़ के जा रहे हैं तुम्हारे लिए. तुम्हें क्या मतलब, इन लोगों ने क्या किया है, इस जनरेशन ने जो आज सबसे ज्यादा बिगटरी में सेलिब्रेट करती है, इन्होंने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडिया का पूरा फायदा उठाया. एक लिबरल इंडिया का, सोशलिस्ट इंडिया का, एक नेहरूवियन इंडिया का पूरा फायदा. अपनी सरकारी नौकरियां करी हैं, अपनी पेंशंस ले रहे हैं, प्रोविडेंट फंड बने हुए हैं सबके, ईएसआई के वो बने हुए हैं, इंश्योरेंसेस हैं सबके, सारा फायदा उठाया. अब रिटायर हो गए हैं वो सब करके, अब उसको गाली बक रहे हैं. उसको गाली बक रहे हैं, और तो ताकि जो अगली जनरेशन है उसका दिमाग खराब कर रहे हैं. उसके पास ये भी नहीं बचेगा, इसको तो हटा देंगे, और जो बचेगा वो कि गोबर लपेट लो और न्यूक्लियर उस वॉर में बच जाओगे. ये दुनिया वाले छोड़ के जा रहे हैं.
तो इसके लिए कौन लड़ेगा? इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा और अपने घर में ही लड़ना पड़ेगा. जस्ट बिकॉज यू सेड के आई एम द यंगेस्ट, मैं बोल रहा हूं. नो नो, करेक्ट करेक्ट. बिकॉज ऑल ऑफ दिस मेक्स मी फील लाइक कि ये तो हर तरफ से फंसे हुए हैं ना, कि पॉलिटिक्स भी नहीं है, एज यू सेड फैमिली यूनिट भी सेव नहीं कर रहा, टेक्नोलॉजी ऐसा भी नहीं है कि टेक्नोलॉजी हमारी साइड हो एक तरह से. टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वर्किंग अगेंस्ट अस. सो वॉट is like a way out, you know. I'll say this, you know, when I watched the film, when mid screening, my understanding and my very like lay person understanding of the film was that isme na end mein wo kuch aise moral story, yes, positive kuch dikhayenge ki, you know, somebody's mind changed, there was a shift, and someone decided nahi mujhe inki, you know, hindu muslim ekta and zindagi and whatever. I was waiting for that, you know. I was like, it has to be a hopeful end, and the thing is, the film doesn't end on a hopeful note at all. It ends on a funny note, actually. It ends on a very funny note, but it also ends on a very deeply depressing. It's a horror movie. It is. For me, I felt like I was being so naive in expecting a very hopeful end, when the end they showed was in all ways the most logical end. Yeah. I mean, what else did we expect? Yeah. That is the power of Sudhir Mishra. I mean, he never loses his sense of humor even in the dark. Ek scene nahi hai wo jo nurse budde ko leke ja rahi hai aur wo aise dekh raha hai. Oh yeah. Aur nurse usko yun kar deti hai. Yeah, 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 yeah. I remember. Wo main us script mein nahi hoga. मैंने बोला बाद में, मैंने ये तो आपकी शरारत है. ये आपने सेट पे ही, मतलब आपने कराई है, ये स्क्रिप्ट में नहीं है गारंटी से. तो वो ही नेवर लूजेस हिज सेंस ऑफ ह्यूमर. ही इज अ वेरी ब्राइट एंड वेरी इंटेलिजेंट फिल्म मेकर. और ये इसमें एक तो मैं बताऊं, समय जो आपने बोला हिंदू मुस्लिम एकता, ये थोड़ा मुझे फ्रॉड कॉन्सेप्ट लगता है. क्योंकि एक तो ये गंगा जमुनी तहजीब, अपर कास्ट हिंदू अपर कास्ट मुसलमान आपस में करते रहते हैं. इट्स नॉट a hindu muslim thing, it's a caste thing, it's a caste war, it's a caste war. We're not in the middle of a hindu muslim war, we're in the middle of a caste war. Aur ye mat karo na yaar, hindu muslim ekta mat karo na, nahi hoga, kya ho gaya? Agar ek hote wo Sudhir hi bolta, agar ek hote to bolna padta hindu muslim bhai bhai, agar bhai hote to ladao mat na yaar, aur shanti se apna apna alag raho, koi dikkat nahi hai, कोई वो हिंदू मुस्लिम एकता की जरूरत नहीं है, चुपचाप रह लो. तुम अपना मुसलमानी सेलिब्रेट हो तो अपनी हिंदू सेलिब्रेट करो, और रोटी खाओ भी सबने, इवेंचुअली जाके मर जाना है, फिर करते रहना ये. क्या होना है, व्हाट अ डार्क टर्न दिस कन्वर्सेशन हैज टेकन. बट द थिंग इज के इसकी जरूरत नहीं है कि भाई हमें वास्तव में आपस में ही वो प्यार और शादियां और मोहब्बतें और ये सब, ओ नहीं भाई, हो रही है तो ठीक है, जबरदस्ती क्यों करनी है? हाँ, जबरदस्ती ना ही मिंगल करना है ना ही तोड़ना है, जो ऑर्गेनिकली रहो. घर में भी ऐसा होता है ना कि एक 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 बच्चा घर में थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है, और दो तीन बच्चे और हैं, वो उनको कोई वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता चीजों का, तो वो सेंसिटिव बच्चे को रहने दो ना, सिर्फ जबरदस्ती उनके जैसे हैं क्यों बनाना है? तो ये एकता फेकता की कहानियां, ये जो दिमाग में ड्रामे बना दिए हैं, मुझे नहीं चाहिए कि कोई प्रीची हो कि भाई हिंदू मुस्लिम. इतना काफी है कि उसके ट्रक में बैठा कोई हिंदू मुस्लिम एकता की बात नहीं, दोनों ने सफर साथ में तय किया, ना एक दूसरे का गला पकड़ा, ना गले मिले ना गला काटा, ना गले मिले ना गला काटा. वो उससे बदतमीजी से बात कर रहा, वो उससे बदतमीजी से बात कर रहा, वो उससे प्यार से बात कर रहा, उससे प्यार से बात कर रहा. बस इतना ही कर लो यार, बिल्कुल. अब ये कोई मेरा कोई मुसलमान दोस्त है या कोई क्रिश्चियन दोस्त है, कोई सिख दोस्त है, तो मैं थोड़ी जो है एक्स्ट्रा वो जाऊं कि मैं तेरे साथ मस्जिद चलूंगा, हम दोनों साथ में नमाज पढ़ेंगे, और मैं भी रोजा रखूंगा. क्यों रखूं मैं तो गायब भी जाऊंगा. तो इतना भी नहीं, ड्रामा का नहीं, थोड़ा थोड़ा तो वो उस फिल्म में मुझे अफवाह में ये इस बात को टच ही नहीं किया कि भाई भाई और रियल. उसने बोला बॉस ये फिल्म है अफवाह किस तरह से आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है, वो वही फिल्म है. फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वो टूल्स थे ये लव जिहाद एक्सेट्रा वगैरह, जिनको बड़े अच्छे से इस्तेमाल करा गया है. अगर इन सबको भी आप निकाल दो, क्योंकि अफवाह की वजह से आजकल ये हो रहा है ना, इन सबको भी आप निकाल दो, तो अफवाह की वजह से वैसे कैरेक्टर्स खराब कर देते हैं लोगों के. Yes. ओ ये लड़की तो ना रात को देर से घर आती है, ये लड़की ना गाड़ी तेज चलाती है, चाहे उसने ना एक रेड लाइट कूद गई मान लो, तो वो तो हुई तो भैया अब घर पे हमारे यहाँ पे बोलते हैं एलडी, लेडी ड्राइवर, लेडी जो जो ऐसा कोई दिख जाए ना ऐसा रास्ता काटते हुए, अरे तो एलडी है.
हाँ तो ये जो है तो ये इस तरह की है, कोई लड़की ने अपनी मर्जी से कपड़े पहने हुए तो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाएगा कि मैंने तो वहां दो स्कूल में कितना होता था स्कूल में किसी लड़की के बारे में किसी ने एक उड़ा दी फिर वो पूरे स्कूल में फैल गई and it stays with you so it sticks yes. it sticks yeah. for years jab tak aap remember you as that chhodoge nahi tab tak wo rahega wahan chhodne ke baad bhi tumhare dimag mein rahega hi na to I think the larger point of the film is afwa only and it doesn't yes. go here and there aur afwa ko aur saath mein usne wo icing on the cherry on the cake bolte hai wo liberal ki jo लिबरल एलीट की जो बजाई है उन्होंने जो संस्कृताइजेशन किया हुआ ना डिस्कोर्स का ये संस्कृताइजेशन ना जो पहले जो संस्कृत क्या जो दलित की भाषा नहीं थी और ये ब्राह्मण ही उसमें आपस में कन्वर्स करते रहते थे और दलित अलाउड ही नहीं था तो ये लिबरल एलीट ने भी तो ये किया था इन्होंने जो है ना जो डिस्कोर्स को इतना कोई कैम्ब्रिज से पढ़ के आ रहा है कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आ रहा है कोई जेएनयू में पढ़ रहा है कोई और गवर्नमेंट स्कूल में जो लड़का पढ़ा हुआ है उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या बात करते हैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और फलाना फलाना ये कर करा के ये यूं खड़ा हुआ है इसको कुछ पल्ले नहीं पढ़ रहा ना हो सकता है बोलने वाले को भी ना पढ़ रहा हो बोलने वाले को तो डेफिनेटली नहीं पल्ले पढ़ रहा अगर पढ़ भी रहा होगा यार लेकिन तो आप ये हॉलोनेस ही है ना कि आपने एलिनेट कर दिया एक लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अब वो पावर उसके पास आ गई है उस सेक्शन के वो बदला ले रहा है इसीलिए वो इंटेलेक्चुअल से चिढ़ता है इसीलिए वो किताबों से चिढ़ता है इसीलिए वो हिस्ट्री से चिढ़ता है इसीलिए वो बोले इतना क्यों पढ़ते रहते हो टैक्स क्यों नहीं भरते हो इसीलिए चेतन भगत इज योर बेस्ट सेलर क्योंकि चेतन भगत उस भाषा में लिखता है जो इसको समझ में आती है अब वो जो लिखेगा वही पढ़ेगा वो अब इधर तो कुछ और ही चला तो ये लिटरेचर फेस्टिवल में भी वही हो रहा है उन्होंने अपना एक एक्सक्लूसिव वो बना दिया है एक भाई हमारा आपस में ही हम करते रहेंगे आई स्क्रैच योर बैक यू स्क्रैच माय बैक तेरी किताब बाहर जो चल रहा है बाहर बाहर कुछ नहीं बाहर आंधी तूफान आ रहा है कुछ भी हो रहा है वहां पर कतले आम मचा हुआ है लेकिन तुम नाच रहे हो वहां पे लास्ट में आके गिरता है मैं कहती तो मेरे एक्ट में था ही नहीं मेरे एक्ट में था ही नहीं वाओ दैट वाज अ वेरी स्ट्रांग विजुअल आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑडियंस रिसेप्शन हाउ डू यू थिंक दिस फिल्म वन विल इट बी वॉच्ड इनफ टू हाउ डू यू थिंक पीपल विल परसीव इट आई एम नॉट आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन फॉर अ फ्यू डेज एंड आई डोंट नो I'm a little hesitant about yeah, how मुझे तो जो सुनने को आ रहा है सौम्या कि इसके शोज ही ऐसे अजीब टाइम पे रखे हुए हैं अजीब जगह पे दिस इज अ वे ऑफ किलिंग द फिल्म ओनली ना तो हम तो यही कर सकते हैं कि जैसे हम ये बात करें इसके बारे में लिखें जितना हो सके बता सके कि भैया कोई तो देखो इस एक्चुअली ये नहीं कि कौन देख रहा है जो देख रहा है उसके बाद उसके बारे में बात कर रहा है या नहीं कर रहा है तो बात कर रहा है अपने घर में अपने पड़ोस पड़ोस में और वो समझाए कि या उसके बारे में कुछ तो एक फ्रैक्शन ऑफ कॉन्वर्सेशन हो अब ये कॉन्वर्सेशन इस फिल्म ने इनिशिएट कराया बट यू नो लाइक हाउ वी कीप डूइंग दीस ये फिल्म बहुत जरूरी है समाज के लिए इसको टैक्स फ्री कर दो I mean, Afwa really falls in that category of a film that should be made tax-free and should have multiple shows because it literally, without pointing fingers or naming parties or people, it really basically tells you how the narrative is being faked and you know, like all the message, like how to tackle fake news. And ideally, that should be in the best interest of every political party also. And in the best interest of everybody, frankly. So, don't you think this film sort of falls in the tax-free zone that we have going on? मतलब बिल्कुल फोन करती है लेकिन अब pointing fingers तो नहीं हुआ लेकिन सबको पता है कि at the end कि एक finger है वो कहीं तो point कर ही रही है ठीक है ना और वैसे तो समाज में ही कर रही है point लेकिन ये इस पूरे आडंबर का जो अफवाह का जो आडंबर है इसका फायदा है एक तबके को मिल रहा है at least at this point हाँ और वो तबका power में है तो वो क्यों से tax free करेगा वो तो बोलेगा ऐसे मत देखो और कंसिडरिंग द फैक्ट कि उस तबके ने किसे टैक्स फ्री करा है हाँ तो लेकिन नहीं आई थिंक दिस फिल्म इज टू स्मार्ट टू बी यू नो रैप्ड अराउंड एनी फेक न्यूज़ व्हाट डू यू थिंक अबाउट I mean, I am a big Sudhir Mishra fan. Like, and I remember Jaideep Verma had made a film also on him called Babra Man, which is a documentary on Sudhir Mishra. And that also was just spectacular. But just in general, like he, you know, Hazaro Khwaisha Aisi had a very lasting impact on an entire generation. We were all in college, I think, when it had come out. Mm. What do you think, like a lot of people are saying it's the return of Sudhir Mishra, his mojo is back. And do you think it's like, it really is, does this film really sort of marks the return of Sudhir Mishra, the filmmaker? Because I know he's done films in the middle in the last 15-20 years, but I don't think anything has been as good as a Hazaro. As he said, ki kabhi aata hai, kabhi jaata hai, like that sine wave. But actually, I don't think ki
I wouldn't say Sudhir Mishra is back because he never went anywhere. Yeah, yeah, fair. तो वो और जो मेरे ख्याल से जो ब्रिलियंट कोई भी ब्रिलियंट आर्टिस्ट है राइटर है कुछ भी है वो ये जाएगा और ये भी होगा ही उसका क्योंकि उसका बेंचमार्क ही अलग है ना हाँ उसका जो बेंचमार्क ही अलग है जो उसके में ट्रफ है वो किसी और के लिए तो मैंने ये बना दिया और सो स्लंप में भी कुछ ना कुछ ब्रिलियंस होगा ही होगा ही एकदम होगा ही होगा तो वो ऐसा नहीं है कि और अभी तो आप अगर रिटर्न बोलो ना तो अभी तो शुरुआत अभी देखो आगे बहुत बहुत कुछ है उनके दिमाग में बहुत कुछ बहुत कहानियां जो उनको कहना चाहते हैं और आने वाले टाइम पे बिल्कुल कहेंगे भी तो दिस फॉल्स इन द लीग ऑफ आपने को वो देखिए इस रात की सुबह नहीं हाँ तो ये मतलब इज सिमिलर वही है मतलब सम कुछ चेज कर रहा है आपको इस टाइम ऑफ तो मुझे नहीं लगता कभी गायब हुए थे सुधीर मिश्रा पर अब ये फिल्म ऐसे टाइम पे आई है और इतनी टाइम इसकी टाइमिंग बहुत सही है राइट ब्यूटीफुल टाइमिंग तो इसलिए इसको ऐसी जगह पे रखा गया है कि लोगों को देखने में मुश्किल हो रहा आप भी बता रहे थे लोग लिख रहे हैं ऑनलाइन के हाँ मैंने भी देखी कई सारे पोस्ट पीपल वर सेइंग कि हमारे शहर में नहीं लगी है या लगी है तो हमारे शहर में बहुत लाइक रियली लाइक वन शो मे बी नॉट मोर देन दैट तो अगर यही करना है तो फिर अगर इसी तरह से ट्रीट होती है ऐसी फिल्में तो फिर तो लोगों को बिंदास बनानी चाहिए यार सेंसरशिप गई बाहर में क्योंकि लास्ट में अगर This is also nice. अगर यही करना कि जब एंड में गन शो मिलने ही नहीं वाला तो आपको जो कहना है वो कह ही डालो पीपल हु वांट टू फाइंड अ वे टू वॉच इट विल वॉच इट या जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस डिड राइट आई विल वॉच यस यू मस्ट यस दैट्स आवर कैमरामैन अथर फ्रॉम बिहाइंड द कैमरा जी ये देख हम देखेंगे अरे देखेंगे सब देखेंगे आप लोग भी देखिए जो लोग बाय द वे हमें पैसे नहीं मिले यार इसमें किसी भी उससे आई होप मिले होते आपको मिले मैं अपना डीजल खर्च करता हूं मुझे पार्किंग भी नहीं मिलता यस तो ना हमें पैसे मिले ना पार्किंग मिले बट स्टिल आई थिंक दिस होल कन्वर्सेशन केम फ्रॉम अ वेरी जेन्युइन प्लेस बिकॉज़ वी ऑल वांटेड टू talk about and engage with this film as much as possible because I'm sure hum sabne dekhne ke baad socha to hoga hi bahut yaar main to jab film dekh rahi thi na I was like baba this is like I work in a newsroom I worked in a newsroom for over a decade now and these are the headlines that we are making and writing and we're reporting on these stories there was such a sense of like it's such an integral part of our lives right like I mean at the Quint also we have Webcoof which is a fact checking unit and like this is we're constantly in conversation the Webcoof with the Webcoof team on you know fact checking things you know so I think it's such an integral part of our work our existence that you know the film really spoke we also had a very nice podcast with the Webcoof team you guys should watch it's really they talk about the experience of fact checking busting what's the craziest stories that they've come up with sab jo bhi log sun rahe hain dekhao yaar agar jahan mauka mile jab tak mil raha hai aur kya nice thanks a lot for this chat kafi matlab mere ko to bahut hi मैं तो बोलने से ज्यादा मैं सोच रहा हूँ बिकॉज फ्यूचर अंधकार में प्रेजेंट ही फ्यूचर क्या सर बट आई थिंक इफ देयर इज वन पार्टिंग वर्ड दैट लाइक यू गाइस वुड वांट टू लीव मेरा तो एक ही है अफवाह देखे जाके और आप सबको भूमि फेडनेकर बनना पड़ेगा अपने घर में रिवोल्ट करना पड़ेगा अगर आप वास्तव में केयर करते हो ह्यूमैनिटी के बारे में इंडिया के बारे में तो वो करना पड़ेगा I also agree with Sanjay. Like it's a film everybody should watch. No. I think, and it's very important for the younger generation to watch it. I believe because I think the senior generation, like the you know the adults of our lives, gone case. वो तो उनको संभालना भी मुझे नहीं पता है. But I do believe that people who are in school, who are in colleges, they must watch it. And for instance, there was a scene where Bhumi confronts this college kid. He says कि तुम कॉलेज में हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे पास किताबें हैं, तुम्हारे पास exposure है, तुम दिमाग नहीं लगा सकते अपना. You know, and it is such a common conversation that we all have, right? But we're like, why are you believing something that has no basis in truth? Yeah. Why don't you question? But why don't you apply your own brain? Sorry for एक हंसी की बात यार भाई लोग इतने मतलब वो adult वाले जो है ना इतने जो मैं बोला था जिन्होंने पूरा फायदा उठाया एक particular intake का retire हो गए मेरे एक relative है वो कहता तो पता है मोतीलाल नेहरू मुसलमान था तो मैंने कहा मोतीलाल नेहरू कौन था पता है ना आपको कहते हैं हाँ नेहरू का बाप मैंने कहा नेहरू कौन था कि इंदिरा का बाप इंदिरा कौन थी राजीव की माँ मैंने कहा राजीव कौन था ये राहुल गांधी का बाप मैंने कितनी जनरेशन हो गई तो चार पांच तो हो गई मैंने कहा अब तो अपने परदादा का नाम बता
अपने परदादा का नाम नहीं पता है और अगर मोतीलाल नेहरू मैं तो कह रहा हूँ मान लो तो क्या हो गया तो मैं क्या करूँ अब वो अब नाम छोड़ो सेल्फ सेंसरशिप कर रहा हूँ तो ये फिर मैंने कहाँ पे पढ़ा कि है पता है हमारे नेहरू के सेक्रेटरी ने किताब लिखी थी उसमें मैंने क्या नाम है सेक्रेटरी का कह रहे वो है कुछ अरे है ये तो वो समझता नहीं है मैंने कहा यार आपको शर्म आनी चाहिए तो फिर वो मेरे को बोल रहे कि मुसलमान तो कभी किसी का सगा हो ही नहीं सकता हमारा इतना तजुर्बा है लाइफ में मैंने कहा आपका किसी मुसलमान ने पर्सनली कुछ बिगाड़ा है कि नहीं मेरे तो बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं मेरे तो बड़े अच्छे अच्छे मुसलमान दोस्त हैं इत्तफाकन में वहाँ पे बैठा ही था ये मज़े की बात देखो मतलब कितना बेवकूफ़ी भरा माहौल है इत्तफाकन वहाँ पे टेलीफोन आया मेरे पास कि ये जो जनाब बोल रहे थे ना इनकी सगी बहन के सगे बेटे ने अपने सगे भाई का मर्डर कर दिया वही फोन आया मैंने कहा आपकी तो सगी बहन के सगे बेटे एक बस में एक दूसरे के सगे नहीं है आप क्या बोले जा रहे हो कि मुसलमान किसी का सगा नहीं हो सकता तो कहा यार तू यार घर में मौत होगी तुझे ये सोच रही है मैंने कहा ऐसे ही होगा अब जब इस तरह की बकवास करो तो ये सुनो मैं कह रहा हूँ ये कन्फ्रंटेशन हमारे घरों में होनी बहुत जरूरी है और एटलीस्ट अगर हम उनको बदल नहीं सकते ना तो कम से कम उनको वो तो कर सकते कि जब इस स्पेस में इस तरह की बिगटरी और इस तरह की बकवास आप नहीं कर सकते बिल्कुल और लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स के लिए रिश्ते मत तोड़ो तोड़ो बिल्कुल तोड़ो यार बिल्कुल तोड़ो बिकॉज अल्टीमेटली आज हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि हमने घर में पॉलिटिकल हुए नहीं सोच के ओ माई डैड आई रिस्पेक्ट माई डैड माई मॉम आई रिस्पेक्ट माई मॉम माई नाना जी लोग लिखते हैं कि सोशल मीडिया पे किसी की नानी मर गई 95 साल की बुढ़िया मरी है ठीक है उसके बाद वो कह रही है कि आई वाज सो क्लोज यू टॉट मी टू स्टैंड टॉल यू टॉट मी दिस मैंने कहा यार मतलब ये नहीं होती तो तेरे को चलना ही नहीं आता और कौन अपनी नानी से मतलब 95 की हो गई है वो यार जाने दो भाई उसको कितना क्या मतलब कितना इसको रगड़ना है वो बेचारी बुढ़िया सोच रही होगी यार मुझे जाने दो मेरा हो गया ये माई नानी और फिर उनके साथ फोटो वोटो लगाए जा रहे हैं वो यार पीपल आर क्रेजी लोग बोलते हैं कॉमेडी कैसे लिखते हो लिखने की जरूरत है मिल रही है देश में हाँ मतलब मदर्स डे पे फादर्स डे पे कि मेरे डैड ने मेरे को ये सिखाया मेरे डैड ने मेरे को वो सिखाया मेरा डैड सल्यूट टू द बेस्ट मैन आई हैव कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड हम हमारे सबके जो हैं मतलब एम ही है तेरा बेस्ट है आई थिंक इफ नॉट कम्प्लीटली ऐसा शन कर दो एटलीस्ट देर शुड बी सम ऑब्जेक्टिविटी अगर तुम एक चीज में बेस्ट बोल रहे हो तो एक चीज में ये भी बोलो कि अच्छा उसने शेव करना भी सिखाया और बिगेटरी भी सिखाई है मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि बिगेटरी के बारे में क्यों नहीं बोलते हो ना एग्जैक्टली कि हमारे घर में जो है मेरी उसकी माँ से पूछो उसके बाप ने क्या किया उसके साथ माँ को अगर दो पैग लगवा दिए उसके बाद वो पोल खोलेगी कि इस आदमी ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है Yes. तो जिस कंट्री में पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हो रहा है कि मैरिटल रेप को लीगल ये लीगल है या इलीगल है वहां की औरतों से पूछो कि कितनी शादियों में ये होता है रोज होता है तो जब ये अपने बाप के बारे में ये लिखें तो ये भी बता ये भी बताओ एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि प्रॉब्लम अच्छा बोलने में नहीं है प्रॉब्लम बुरा ना बोलने में नहीं मुझे तो बोलने में क्यों बोल रहा अपने बाप के बारे में यहां पे मुझे नहीं सुनना मुझे नहीं देखना My father died last year, COVID के टाइम पे मैं तो लिखा भी नहीं ठीक है पार्ट ऑफ लाइफ है यार सब कोई कुछ ना बेसिकली आई थिंक मेनी इयर्स अगो संजय हैड वंस वी हैड यूज्ड द टर्म फैशिस्ट रिलेशनशिप्स एंड सिंस देन आई एम जस्ट लाइक इट्स सो इंपॉर्टेंट बाहर जाके क्या क्रांति करूं जब घर में तुमसे पापा के सामने यू कैन स्टैंड अप जंतर मंतर पे लेके रहेंगे आजादी कुछ भी कर लो आजादी 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 घर में चूं भी नहीं निकलती एंड दैट्स आई थिंक अक्रॉस रिलीजन्स अक्रॉस पॉलिटिक्स अक्रॉस ये घर में जो सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है ना घर के लिए वो soft थोड़ा भी नहीं है यार कंडीशनिंग है वो दिमाग बंद करके घर में बैठने की आदत आपको लगाई हुई है ये तो समय हिपोक्रेसी हम तुमसे बड़े हैं हमें तुमसे बेटर पता है इट्स जस्ट दैट बिल्कुल अब ये जो बच्चे हैं अगर ये जंतर मंतर पे जाके आजादी चलाते हैं हिपोक्रेसी है बिकॉज तुम्हें पता ही नहीं आजादी का मतलब वैचारिक आजादी नहीं है तुम्हारी
तुम अपने घर में जो स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है ना, घर इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट. फैमिली, घर तो नहीं बोलूंगा फैमिली, घर तो एक पत्थर का होता है, फिर भी फैमिली सबसे ज्यादा वो है. आप खेलने जा रहे हो तो बाप के डर से खेलने नहीं जा रहे, माँ के डर से कुछ हो रहा है, और फिर कुछ कह भी नहीं सकते, प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते. और तो ये कल्चर है, इनकल्केट होता रहता है बचपन से. जब बाय द टाइम दिस पर्सन रीचेज द एज ऑफ 20, उसके डीएनए में जा चुका है कि मुझे रेस्पेक्ट देनी है अपने से बड़े को, उसके सामने झुकना है. And I think Afwa, the concept of Afwa is very connected to all of this. So I would just say yes, watch the film, engage with the film, and अगर आपको इस conversation से कुछ भी sense बना हो तो please. और नहीं भी बना तो हमने ठेका थोड़ी ले रखा है. So that. But let us know in the comments कि यार कैसा लगा तुम्हें, movie कैसी लगी, and I think especially मेरे से भी जो young लोग हैं, you guys should engage with it as much as possible, because as he said कि अब हमें ही करना है. As they said in Pathan, मैं उसको थोड़ा reverse करना चाहूंगा, they said बच्चों पे नहीं छोड़ सकते, I want to say बुड्ढों पे नहीं छोड़ सकते, तो हमें ही करना पड़ेगा. Thank you, that was the Quint, and yes, this was Prateek, I'll see you in the next one.